हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। जो वीडियो होने वाला है कि अगर आप गेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से एफिशिएंट वे से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वो अपने फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में ही गेट एग्जाम इजिली क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपको गेट एग्जाम का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गेट एग्जाम की मदद से। अगर आप गेट एग्जाम में क्वालिफाई करते हो, अगर आप उसमें पास होते हैं, तो फिर आपके पास काफी सारी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली मिल सकती है। इसके बाद आपको जो IIT जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से मास्टर करना है तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको एब्रोड जाना है तो आजकल काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सिंगापुर में काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा जर्मनी की काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो गेट के एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन देती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसमें आते हैं अपने ONGC, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इतनी सारी सारी अच्छी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो कंपनियां होती है वो डायरेक्टली गेट के एग्जाम पे आपको एडमिशन देते हैं। और इसके अलावा भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स है गेट एग्जाम पे। बट आज का वीडियो का टाइटल क्या है कि आज प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने गेट एग्जाम क्या है, उसका कट ऑफ क्या है, एग्जाम किस तरह से होती है, एग्जाम का कंडक्ट कौन करवाता है, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होती है, वो सारा का सारा वो सेपरेट वीडियो में है। आज का वीडियो का फोकस रहेगा कि प्रिपरेशन किस तरह से होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कि सवाल होता है कि स्टार्ट कब से करनी चाहिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन। सो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में ये बेस्ट होता है कोई भी कैंडिडेट के लिए कि वो अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्योंकि पहले साल में क्या होता है कि आपको जो भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट होते वो आपको क्लियर करने होते हैं। इसके बाद से आपको जो सेकेंड ईयर होता है तब से आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, और थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो और अदरवाइज आप फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हो। अब 2 साल यानी कि 2020 से एक नया रूल्स लाया है कि गेट में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के दोनों जो रहते हैं स्टूडेंट्स वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि थर्ड ईयर में आपने गेट एग्जाम दी तो फिर भी आप फोर्थ ईयर में एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि कौन से मार्क वैलिड होंगे, तो इनमें से जो भी आपके बेस्ट मार्क होंगे वो वैलिड होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको आते हैं 75, जो उसका कट ऑफ होता है उसमें आते हैं 75 और इसमें आपके आते हैं 70, तो फिर इसमें से आपका वैलिड मार्क कौन सा होगा, जो बेस्ट कौन सा है थर्ड ईयर वाला, तो ये आपका काउंट होगा गेट के फाइनल स्कोर के हिसाब से। सो इस तरह से होती है गेट। बट इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको कब से स्टार्ट करना होगा, तो आपको स्टार्ट करना होगा सेकेंड ईयर से अपना जो गेट एग्जाम का प्लानिंग। इसके बाद आप किस तरह से कर सकते हो, अब दो तरह है, एक और फ्री है, एक होता है कम्प्लीटली फ्री जो आप अपने हिसाब से करोगे, और दूसरा होता है कि पेड यानी कि कोचिंग क्लास की मदद से। सो फ्री में आता है सबसे पहले यूट्यूब, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस का वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा गूगल पर से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। इसके बाद बात करें कोर्सेरा, यूडेमी, अनएकेडमी, बाइजूस और काफी सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं कि जो अपने एप्लीकेशन पर से आपको फ्रीली या फिर पेड ये दो तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सा है, कोर्सेरा, यूडेमी, अनएकेडमी, बाइजूस, स्टार्ट स्मार्ट स्टडीज, इसके अलावा आज एक नया निकला है टाटा स्टडीज, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको काफी यूजफुल हो सकते हैं। इसके अलावा पेड और फ्री कोर्सेस, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको पेड में जाना है या फिर फ्री कोर्सेस, और लास्ट में है कोचिंग क्लासेस। बट कोविड की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो अभी कोचिंग क्लासेस ओपन नहीं होंगे मेरे ख्याल से शायद। सो ये होता है आपका किस तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे। अब आगे बात करें कि मॉक एग्जाम। सो सबसे पहले क्या है कि आपको जितना हो सके उतना ज्यादा मॉक एग्जाम देनी होगी, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी कितनी है पेपर में, आपको टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्या पैटर्न है, ये सारा का सारा आप एनालिसिस कर पाओगे कब, जब आप मॉक एग्जाम में अपियर होंगे तब। सो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी होगी। अब कौन सा अच्छा तरीका है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल किया है। तो ये क्या होता है कि ये कम्प्लीटली एक स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑनलाइन क्या होता है कि आपको अगर ऑनलाइन अच्छा लगता है तो फिर आप ऑनलाइन ले सकते हो, अदरवाइज आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करना चाहता हूँ कि मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा था, सो उस टाइम से लेके
इस टाइम तक सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑलमोस्ट ये 2 साल का गैप हो गया है आपको ऑनलाइन स्टडी करते हो। सो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपने 2 साल तक ऑनलाइन स्टडी की, आपको कितना उसमें से इम्प्रूवमेंट मिला। अगर आपको उसमें अच्छा लगता है तो फिर आप ऑनलाइन जा सकते हो, अदरवाइज आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सो इस तरह से मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये लास्ट के पिछले जो 2 साल है उसमें आप खुद को एनालाइज करें कि आपको वो तरीका सही लगता है कि नहीं, और इस तरह से अपना एक ओपिनियन, अपना एक सिलेक्शन करना चाहिए। अब क्या है कि फोकस ऑन बेसिक सब्जेक्ट्स, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप एडवांस कंसेप्ट भी सॉल्व कर पाओगे। सो इसीलिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड में कि ये वाली जो स्लाइड थी इसमें मैंने लिखा था कि आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए और फर्स्ट ईयर में आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने चाहिए। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करो, और इसके बाद आप आगे चल के गेट एग्जाम की प्रॉपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि आपको रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको गेट एग्जाम करनी है तो फिर आप अप्लाई करना, अदरवाइज आप बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट मत करना। अब लास्ट में आता है कि प्लेसमेंट वर्सेस गेट, ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं और थर्ड ईयर में डिसीजन लेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेरा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होता है तो फिर मैं प्लेसमेंट ले लूंगा, तब तो मैं गेट में अपियर नहीं करूंगा, और मान लीजिए कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं गेट एग्जाम की उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा और इस तरह से अपनी जो एग्जाम है वो क्रैक करूंगा। सो दिस इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप दोनों पर से फोकस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए ये पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि प्लेसमेंट लेना है या फिर गेट लेना है। सो ये इसमें मैं एक बात बता दूं कि इट इज नॉट हार्ड, गेट एग्जाम कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं रहती है। आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तो कुछ भी हार्ड रहने वाला नहीं है। यू जस्ट नीड टू क्लियर योर बेसिक, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो पसंद आया हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि किस तरह से नहीं समझ में आया कुछ भी, तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू।